हेलो गाइज, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आज मैं जा रहा हूँ कुल्लोहाई से और आगे है लौकाही करके, वहाँ पर एक स्कूल है, प्लस टू हाई स्कूल कुल्लोहाई। वहाँ जा रहा हूँ आज विजिट के लिए। तो यहाँ से तकरीबन 150 किलोमीटर है आने जाने का, तो देखते रहिए।
जान हम्रैतिर हजुर हम्रैतिर जाने हो बाएँ सक्यो अब बाएँ अब यो कुन चाहिँ आयो यो मेन आयो यो फुल फुल सिएनजी बिटम जाने होला एनजीबी यता आउँदैन कहाँ एनजीबी जाने एनजीबी यता हो अगाडि अगाडि यही बाटो जाने हो हम लोग आ गए हैं मतलब हाईवे में नेशनल हाईवे में ओके यहाँ से फुलप्रास तक जाएंगे हम लोग ये फुलप्रास पूर्णिया होती हुई है एनजीपी तक जाती है रोड एनजीपी बहुत सीधा ये आसाम पेट्रोल डालने के लिए बहुत रास्ते में बहुत हवा चल रहा है तो यहाँ पर थोड़ा सा पेट्रोल डालेंगे अभी हवा बहुत चल रहा है भाई आँख में पूरा रेत रेत घुस के अंदर Thank you.
ब्रेक लंबा बहुत लंबा रास्ता है फुलप्रास में हम लोग अभी फुलप्रास मार्केट में तो यहाँ पर जस्ट रिफ्रेशमेंट ये सीधा
फाइनली स्कूल में पहुंच गए हैं हम लोग। अभी देखते हैं पर। हाय सर। अरे बहुत दूर है ना? ये है अपना सिटी इस स्कूल की। ठीक है, बाकी आ गया बहुत प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल आ रहे हैं। अच्छा, अब नहीं आया तो यही स्कूल राजकीय मध्य विद्यालय खुलवाई। ये मध्य विद्यालय क्या होता है? मिडिल हो गया। मिडिल। बाकी स्कूल में आए। ये बॉर्डर एरिया है या मतलब स्कूल है? यहाँ से आठ किलोमीटर तकरीबन है ना? हाँ। बॉर्डर नहीं, आठ किलोमीटर नहीं है। चार किलोमीटर। अच्छा, करीब जो है ना। हाँ, बॉर्डर। अच्छा, उस तरफ यहाँ बॉर्डर, यहाँ से चार किलोमीटर बॉर्डर है। चार किलोमीटर नेपाल बॉर्डर यहाँ से। अभी देखते हैं शायद यहाँ की, यहाँ से बात भी होता होगा। हाँ बात, हाँ नेपाली बात होगा आपको। सिम अगर होगा तो, नेपाली अगर सिम होगा ना तो बात होगी। तो आप आसान यहाँ से चेक करते हैं नेपाल की जो है। हाँ, नेपाली सिम अगर होगा तो आराम से। जो सर आते थे परेड कराने के लिए तो वो एक घंटा डेढ़ घंटा बात करके जाते थे। वो 86 किलोमीटर ही है, लेकिन जो मैप में दिखाता है ना गूगल में, वो कहाँ कहाँ 86 किलोमीटर। 86 किलोमीटर तो आने जाने में तो कितना होगा? 80, 160, 160 तो 170 लगा लो। कितना बजे तक स्कूल होगा? 11 बजे तक ना? 11:30। ये एक्चुअल जगह का नाम क्या है? जगह का नाम ही कलवाही है। कलवाही और लौकी। लौकी कहिएगा तभी आप यहाँ पाइएगा, नहीं तो कलवाही तो उस दिन जो हम छोड़ देते थे ना, आप वहाँ चले गए। लौकी बोलना पड़ेगा ना? लौकी कलवाही बोला मैं पूछा। कलवाही तो दो तीन जगह है मधुबनी। दो जगह उधर एक जो जयनगर जाते हैं उधर भी कलवाही है। कलवाही है और अपना इधर भी कलवाही है। तो गाइज हम लोग पहुंच गए, अभी थोड़ा सा डॉक्यूमेंटेशन करेंगे। अभी नेटवर्क थोड़ा सा आया नहीं। स्कूल प्रिंसिपल सर पहुंचे हैं, अभी हम भी जस्ट पहुंचे। तो अब डॉक्यूमेंटेशन हो रहा है कार्रवाई। अभी कौन सिलेक्शन करेंगे आप CTO के लिए? अब ये बहुत ऑनेस्ट CTO है हमारा अभी तक जो हमारे पास है। तो ये मैं आया हूँ यहाँ पर लौकाही जो हाई स्कूल में। तो ये प्रिंसिपल है सर। तो मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ कि आपका ये जो NCC यहाँ पर हमने जो बॉर्डर एरिया जो में हमने NCC दिया है, तो NCC यहाँ पर जब NCC हुआ तब से आपका कुछ फर्क दिखाई दे रहा है? आपको बहुत फर्क दिखाई दे रहा है। ओके, यहाँ जितने हमारे बच्चे हैं ओके वो बहुत एक्टिव हो गए हैं। ओके, पहले जैसे थे उसमें NCC के प्रति ट्रेनिंग लेने के प्रति बहुत उत्सुक हैं। ओके, और भविष्य में भी हम आशा करते हैं कि हमारे तमाम बच्चा NCC के प्रति इसी तरह उत्सुक बने रहे, जिससे अपने राष्ट्र के, अपने समाज के, अपने राज्य के सुरक्षा और उनके बौद्धिक में परिवर्तन हो सके। हम यही आशा और विश्वास के साथ NCC का जो यहाँ चल रहा है बहुत परिवर्तन और बहुत बेहतर ढंग से काम कर रहे हैं। अच्छा, ये आपका अभी जो हम जो इसीलिए आएगा, ये आपको एक सस्पेंडेड एनिमेशन जो है एक एज अ रूल जो NCC के रूल के हिसाब से जो आपके जो जो हमारे जो CTO थे, केयर टेकर ऑफिसर थे, वो आपका थोड़ा सा उनके जो क्वालिफिकेशन, उनका जो योग्यता जो हम चाहते हैं, हम जो ANO बनाना चाहते हैं उस मुताबिक नहीं है। तो हम इसीलिए आए थे। अभी अगर आपका जल्दी से जल्दी आप CTO अगर नए CTO अगर डिटेल नहीं कर पाएंगे तो आपका NCC यहाँ से फिर मतलब बर्खास्त हो जाएगा, इसके बारे में क्या बोलना चाहिए? ये हम आज ही हमारे यहाँ फिजिकल टीचर आ गया है जो BPED है। ओके, और हाई स्कूल में नियुक्त है। उससे पहले हाई स्कूल में हमारे टीचर नहीं थे, इसलिए हम जूनियर को दिए थे। ओके, लेकिन अब आ चुका है तो हम आज ही बना के पत्र हम विभाग को भेज रहे हैं, NCC विभाग में दे रहे हैं, ताकि यहाँ NCC सुचारू रूप से संचालित रहे। तो अभी जितना भी एक कैंप में मैंने देखा था, अभी जो पिछले कुछ दिन पहले जो कैंप चला था उसमें भी काफ़ी यहाँ पर जो
पुलवाई की जो स्कूल की जो स्टूडेंट्स कैडेट्स हैं बहुत बढ़ चढ़ कर भाग रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि अभी जो एक जून से फिर कैंप चलने वाले हैं उसके लिए भी आपका यहाँ से स्कूल से बच्चे बढ़ चढ़ कर भाग लें उस कैंप के लिए। निश्चित रूप से भाग लें, हमारे बच्चे भाग लें। तो आप कभी संभव हो सकता है आपका ये कंटिन्यू कभी हो सकता है, आप जल्दी से जल्दी आप मतलब सीटी को डिटेल करें, तो हम चाहते हैं कि जल्दी जल्दी आप सीटी को डिटेल करके फटाफट मतलब बटलाइन में आप ये रिपोर्ट हम आज ही रिपोर्ट कर देते हैं एनसीसी ऑफिस मधुबनी को, ताकि नए सीटी हो जाए और एनसीसी का जो कार्य है उसका समय संपादित हो सके। ओके सर, थैंक यू।